रानो चिड़िया के दो बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। वो दोनों अपना दाना लेने जा रहे थे कि गोरी कवी का बेटा जग्गू कवा भी वहाँ आ जाता है। कुकू और गुड़िया, मुझे भी दाना लेने जाना है, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तुम्हारे साथ जाने से हमें मम्मा ने मना किया हुआ है, तुम बहुत शरारती हो, तुम तंग करते हो हमें। गुड़िया बहन, हम भी तो जा रहे हैं, जग्गू साथ चला जाएगा तो क्या हुआ। ठीक है जग्गू, तुम भी हमारे साथ चलो। फिर वो तीनों दाना लेने चले जाते हैं। उड़ते उड़ते जग्गू का ध्यान अमरूद के पेड़ पर जाता है। वो देखो, सामने अमरूद का पेड़ है, हम वहाँ से अमरूद खाते हैं। सब रुक जाते हैं। वो अमरूदों का पेड़ किसान का है, किसान के पास बंदूक होती है, ये मम्मा ने बताया है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये बात तुम्हें मम्मा ने बताई हुई है, कुछ खुद भी करो, हम बड़े हो गए हैं, खुद से फैसले करेंगे। जग्गू वहाँ मत जाओ। मगर जग्गू नहीं रुकता, वो अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और अमरूद खाने लगता है। चुप कर किसान जग्गू कवे को देख लेता है और अपनी बंदूक निकालकर जग्गू पर निशाना सीधा करता है। किसान गोली चलाने वाला है, कुकू भाई जग्गू को बचाना होगा। कुकू उड़ता है और जल्दी से जाकर जग्गू को दूसरी तरफ धक्का देता है। गोली चलती है, ठा की आवाज से दूर दूर तक पक्षी उड़ जाते हैं। वो तीनों भी वहाँ से उड़ जाते हैं। बच गया, मैं बच गया। अब बताओ, मैंने कहा था ना कि इंसान के पास बंदूक होती है। अगर मैं इंसान को ना देखती तो अब तक तुम मर गए होते। मुझे भूख लगी हुई है, चलो अब कहीं और जाते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वो रहा बेरी का फल। जग्गू जाते जाते रुक जाता है, कुकू और गुड़िया भी रुकते हैं। इस बेरी के पेड़ पर बहुत कांटे हैं, मम्मा ने कहा था कि कांटेदार पेड़ से दूर रहना है, हम ये फल नहीं खाएंगे। दोस्त जग्गू, हम थोड़ा और आगे जाते हैं, वहाँ मैदान में दाना होगा, हम दाना खाएंगे। मैं तो ये बेरी के फल ही खा लूंगा। जग्गू उड़ता है और बेरी के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। गुड़िया, तुमने सच कहा था, ये तो बहुत तंग करता है, चलो हम जाते हैं। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू पेट भरकर फल खा लेता है और जैसे ही वहाँ से उड़ने लगता है तो उसके पंख कांटों में फंस जाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो अपने पंख फुड़फुड़ाता है मगर कांटे उसके पंखों में चुभ गए थे। फिर थक हार कर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा पापा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गुड़िया और कुकू ने भी दाना खा लिया था। कुकू ने एक बाली गेहूं की अपनी मम्मा के लिए भी ले ली थी। कुकू भाई अब चले, शाम होने वाली है। गुड़िया बहन, मैंने ये दाने मम्मा के लिए रख लिए हैं, मम्मा खुश हो जाएंगी। वो दोनों बहन भाई वापस उड़ते हैं। दूर से ही उन्हें जग्गू की बचाओ बचाओ की और रोने की आवाजें सुन जाती हैं। अरे जग्गू तो कांटों में फंस गया है। हमने तुम्हें ये फल खाने को मना किया था, अब बताओ मजा आ रहा है। गुड़िया और कुकू, प्लीज मुझे बचा लो, आज के बाद मैं हमेशा बड़ों की बात मानूंगा, मेरी जान बचा लो। गुड़िया बहन, अगर हम इस बेरी के पेड़ के पास गए तो हमारे पंख घायल हो सकते हैं, हमें अपने बड़ों को बताना होगा। फिर कुकू जग्गू के पास बैठ जाता है और गुड़िया जल्दी जल्दी से उड़ती हुई घर वापस जाती है। मम्मा मम्मा, वो जग्गू का बच्चा कांटों में फंस गया है, वो बेरी के पेड़ में फंसा हुआ रो रहा है। गुड़िया बेटी, वो जग्गू भी ना हमेशा कोई उल्टा काम ही करता है, मैं अभी जाती हूँ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से जग्गू की मम्मा के पास जाती हैं और मम्मा चिड़िया गोरी कवी को बताती है। मुझे तो गुड़िया ने बताया है, जल्दी चलो गोरी। चिड़िया, एक ना एक दिन ये बच्चा मुझे बड़ी मुसीबत में डाल देगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ती हैं। अपनी मम्मा और आंटी चिड़िया को देखकर जग्गू खुश हो जाता है। चिड़िया और गोरी कवी दोनों मिलकर जग्गू को कांटों से बाहर निकालती हैं। एक थप्पड़ लगाऊं मैं तुम्हारे, किसने कहा था इस पेड़ के पास आने को। मम्मा सॉरी, गलती हो गई, मुझे कुकू और गुड़िया ने रोका था, मगर मैंने जिद की ये फल खाने की। इसीलिए तो हम कोई भी काम करने से पहले सोच लेते हैं और जिस काम से हमारे मम्मा पापा ने हमें मना किया हो हम वो काम करते ही नहीं। फिर वो सब सुरक्षित वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू ने अपने दोस्त जग्गू को बचा लिया था। घने जंगल में नारियल का एक पेड़ था। सभी पक्षी नारियल के उस पेड़ से नारियल पानी पीते और नारियल खाते।
मगर कुछ दिनों से एक कौवा और कौवी उस जंगल में आ गए थे, जो बहुत झगड़ालू कौवे थे। अरे अरे मोटी चोंच वाले, भागो भागो यहाँ से, आज के बाद इस पेड़ के नारियल हमारे हैं। क्यों जी, ये पेड़ सबका साझा है, इस पेड़ से सब नारियल लेंगे। ये ऐसे नहीं समझेगा, मैं इसे सीधा करता हूँ। कौवा मिठू को मारने लगता है। मिठू जाकर चिड़िया को बताता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे मारा, मुझे बहुत मारा है उन कौवों ने। मैं नारियल के पेड़ से नारियल पानी पीने गया तो उन कौवों ने मुझे डंडे से मारा है। मिठू चुप कर जाओ, मत रो। जो किसी का बुरा करता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। फिर उस दिन के बाद कौवा और कौवी, जो भी पक्षी नारियल के पेड़ के पास आता कौवे उसे भगा देते। गरजू बादल, जिसे नारियल पानी बहुत पसंद था, एक दिन अपनी पत्नी काली बदली से कहता है। काली बदली, आज मेरा नारियल पानी पीने का बहुत दिल कर रहा है, चलो आज नारियल का पानी ढूंढ कर नारियल पानी पीने जाते हैं। पति जी, नारियल पानी पीने का तो मेरा भी मन है। वो दोनों पति पत्नी नारियल पानी पीने के लिए सागर से जाते हैं। उड़ते उड़ते दोनों बादल पति पत्नी उसी नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिस पर कौवों ने अपना कब्जा किया हुआ था। कालू कालू, वो देखो, बादल हमारे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने जा रहे हैं। जल्दी से कौवे वहां जाते हैं। ओए काले बादल और काली बदली, यहां क्या लेने आए हो? हम इस पेड़ से नारियल लेने आए हैं, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा हमारा यहाँ आना? ये पेड़ हमारा है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। हम बरसात करते हैं तो ही इस जंगल के पेड़ पौधों को जिंदगी मिलती है, और हमारी वजह से ही इस नारियल में पानी है। फिर तुम कौवे हमें कैसे रोक सकते हो इस पेड़ से नारियल तोड़ने से? कालू जी, इन्हें भी मिठू की तरह सीधा करना होगा। तुम बादल ऐसे नहीं मानोगे। मगर वो बादल वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी खुश हो जाते हैं। चिड़िया, उन कौवों ने आज गरजू बादल को भी नारियल पानी नहीं पीने दिया। अगर बरसात ना हुई तो हम सब भूख से मरेंगे, वो कौवे भी और हम भी। वो कौवे नहीं जानते कि गरजू बादल को नाराज करने से ये जंगल सूख जाएगा, बरसात होगी तो ही बहार आएगी। पति जी, आप बस भी करें, आपने आज सागर से बहुत ज्यादा पानी पी लिया है। मैं सबक सिखाऊंगा, मैं उन कौवों को सबक सिखाऊंगा। वो कौवे बहुत बुरे हैं, मैं उनके घर पर ऐसी बरसात करूंगा कि वो सारी जिंदगी याद करेंगे। दूसरे दिन गरजू बादल अपने दोस्तों को साथ लेकर उस जंगल में जाता है। वहाँ कौवों के घर के ऊपर जाकर गरजू बादल जोर से गरजता है और बरसात शुरू हो जाती है। देखते ही देखते पूरे जंगल में पानी ही पानी जमा हो जाता है। कुकू बेटा, ऐसी बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद गरजू बादल अपना गुस्सा निकालने के लिए यहाँ आया है। मगर मम्मा, क्या अब उन कौवों के साथ साथ हम भी मरेंगे? बेटा, मैं अभी कबूतर के पास जाती हूँ, मेरा छाता कहाँ है? चिड़िया अपना छाता लेकर कबूतर के पास जाती है। आलू, घर की छत टपकने लगी है, ये बारिश कब रुकेगी? गौरी, ये गरजू बादल है, शायद वो हमसे बदला लेने आया है। हमने गरजू बादल से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। सब परेशान थे, कौवे भी और दूसरे पक्षी भी, क्योंकि अब तो बारिश का पानी पेड़ों से ऊपर आने को था। कौवे जल्दी से अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया और कबूतर के पास चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर, हमें बचा लो, वो बादल बार बार हमारे घर के ऊपर आकर गरज रहा है। लग रहा है आज अपनी बिजली से वो हमारा घर जला डालेगा। तुम जलकर मरोगे और हम तेज बारिश के पानी में। तुम दोनों के लालच की वजह से ये सब हुआ है। किसने कहा था कि गरजू बादल से पंगा लो? हम माफ़ी मांग लेंगे। चिड़िया, तुम हमारे साथ चलो, प्लीज चिड़िया, अगर हमारा घर जल गया तो हम कहाँ रहेंगे? फिर चिड़िया कौवों के साथ गरजू बादल के पास जाती है। चले जाओ यहाँ से। कौवे, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं अभी अपनी बिजली तुम पर गिरा दूंगा। अभी तो बारिश है, तूफान भी आएगा, तुम मरोगे। गरजू बादल भैया, इन्हें माफ कर दें, ये कौवे अब अपने किए पर शर्मिंदा है।
गरजू बादल भैया जी, हमारे बाप की भी तौबा, हम कभी भी किसी को नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने से नहीं रोकेंगे, बस एक बार माफ कर दो। मैं कान पकड़ता हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। फिर गरजू बादल कौवों को माफ कर देता है और सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।